हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और नया कॉइन या एक और नई लिस्टिंग के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको। जैसा कि मैंने पहले हॉटबिट और गेट डॉट आई पर लिस्ट होने वाले कॉइन्स के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, इन प्लेटफॉर्म पर जानकारी देने का मेरा मोटिव यही रहता है कि इनमें क्या हम कम उस USDT का भी इसमें अपन ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अब आप अपनी रिसर्च जरूर करें। सो नेक्स्ट शुरू करते हैं वीडियो के आगे कि जेंस सीरीज, जैसा कि इसका नाम है जेंस, ये क्या है, ये एक डीफाई एक्सचेंज टाइप का क्रिप्टो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए इसमें पोटेंशियल लग रही है। और मेन इसकी पोटेंशियल क्यों है, इसका कारण क्या है, मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है उन एक्सचेंज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि यदि हम एक्सचेंज की बात करें, मैं इसको कुकॉइन पे देख रहा हूँ, कुकॉइन पे तो लिस्ट है ही इसके, ये मतलब कुकॉइन पर लिस्ट है। देखिए ये कुकॉइन क्या है, एक अच्छा इंटरनेशनल एक्सचेंज है, बाइनेंस टाइप का ही है, लेकिन बाइनेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा एक्सचेंज है। इसलिए इसके अलावा BKEX पर है, Gate.io पे अभी लिस्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पर 0.0 दिया। इसके अलावा ये हॉटबिट पे भी पहले से ऑलरेडी लिस्ट है, तो हम कुकॉइन पे न जाकर सीधा हॉटबिट पे चलेंगे और देखेंगे हॉटबिट पे इसकी क्या पोजीशन चल रही है, कितना हाइप लिया है। अभी जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ, ये 15% की ग्रोथ इसने सुबह से दिखा दी है, 0.7 या 0.8 पे था, 0.08 पे ही मान लें, यदि अनाउंसमेंट से पहले 0.07 या 0.08 पे था, तो इसने 10 अपना किल करके ये 15% की ग्रोथ ऑलरेडी कर दी है। अभी ये लिस्ट होगा तो अपन हॉटबिट पे इसको बाय करके और इसमें अपन अच्छा खासा गेन ले सकते हैं। आगे इस प्रोजेक्ट की बात करें हम, यदि कॉइन मार्केट कैप में यदि हम देखें इसकी रैंक, कॉइन मार्केट कैप पे ये 3800 अप्रॉक्स है शायद इसकी जो रैंक है कॉइन मार्केट कैप पे, ये जो है फुली इसका डिलोटेड मार्केट कैप वह 133 मिलियन डॉलर, प्लस इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम सप्लाई इसकी देखिए 1.20 बिलियन है, ज़्यादा सप्लाई नहीं है, टोटल सप्लाई अभी 40 बिलियन हुई है। रैंक देखिए इसमें दिखा रहा है, ये रैंक इसकी जो रैंक है ये 3823 रैंक है, ये इसका लो जो है 0.2 दिया है और 0.2 तक इसने हाई दिया है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यदि हम देखें कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर जो ब्लॉकचेन है उस पर बेस्ड प्रोजेक्ट है, यदि हम इसको एक्सप्लोर करें तो इसकी वेबसाइट पर देखें, और वेबसाइट टेलीग्राम भी है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम इसकी साइट के बारे में देखें, साइट देखें अपन क्या है इसमें, डीफाई एक्सचेंज क्या क्या करता है, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो इसमें जैसा कि दिया है क्रॉस चेन डीफाई वन स्टॉप शॉप, मतलब सीधा इसने देख दिया कि भाई हम डीफाई एक्सचेंज प्रोवाइड करेंगे, और जैसा कि डीफाई एक्सचेंज आप जानते होंगे, और यदि जिसको नहीं पता जी डीफाई एक्सचेंज, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और एक और बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं नेक्स्ट आपको अच्छे कॉइन जो कि हॉटबिट या Gate.io पर, जिनको हम $5 या $2 या $10 मतलब मिनिमम परचेज में हम इन पर अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, इसलिए मैं उन एक्सचेंज के कॉइन जो कि पहले से ऑलरेडी अच्छे एक्सचेंजों पर लिस्ट रहते हैं तो उनको लेकर आता हूँ। और मैंने जैसे TGC पर मैंने आपको बताया था पहले कि मेरे 31 दिसंबर जो मेरा बर्थडे था उसमें 13,000 समथिंग गेन किया था उसमें मैंने $5 या $10 से। तो नेक्स्ट यदि हम देखें इसका एक्टिविटीज़ में जो दे रहा है नेटिव USD जो भी डीफाई एक्सचेंज, इसमें अपन डीफाई क्या क्या काम है, इसके बाद इसके स्पॉन्सरशिप में CMS जो सभी हैं। नेक्स्ट और यदि हम ये देखिए बेकर्स हैं इसमें, ये CMS CDI DFG ये सब चीज़ें, ये डीफाई एक्सचेंज टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसकी, तो इसकी प्रोजेक्ट की यही खासियत है कि ये पोटेंशियल इसमें लग रही है। डॉक्यूमेंटेशन इसका दिया है, आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, इसने अपना पूरा मतलब
कॉइन मार्केट कैप में वाइट पेपर और ये सब चीज़ें इसने दिए दी थी। इनिशियल टोकन सप्लाई इसने पूरा दे दिया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो ये देखिए लॉक ड्रॉप दिया इक्विटी होल्डर्स के लिए, क्या क्या इसके परसेंटेज है वाइट पेपर पर, इसका क्या प्रोग्राम है, पूरा आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस और इसके वाइट पेपर देख सकते हैं। मतलब इसने साइड पर ना देखे कॉइन मार्केट कैप वालों को ही अपना प्रोजेक्ट की प्लानिंग वगैरह दे दी है। नेक्स्ट यदि हम देखें कि ये इक्विलिब्रियम DeFi1 स्टॉप स्वॉप को शामा के डू ऑल थिंग्स एक्सचेंजिंग डीफाई पिविटेबी डू बट लेस रिस्क क्रॉस चेन, इसके अलावा टेग में और यदि हम नेक्स्ट अपन देखें कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हॉटपिट पर कहाँ, या आप हॉटपिट पर या gate.io पे देखें। सबसे पहले gate.io पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिस्ट होने से पहले gate.io में एक अच्छी फैसिलिटी है कि ये न्यू कॉइन जो लिस्ट होते हैं उसके बारे में बता दे। देखिए एक घंटे से भी कम टाइम बचा इसके बाद SBT भी लिस्ट होने वाला, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आपको अलग से वीडियो दे दूँगा, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपको नई लिस्टिंग, सिर्फ नई लिस्टिंग से मेरा उद्देश्य रहेगा और आपको मेरे चैनल पर एक नई लिस्टिंग से संबंधित अच्छे पोटेंशियल वाले प्रोजेक्ट और क्रिप्टो कॉइन के बारे में जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट यदि हम ये तो इसमें हो गया gate.io पे आने वाला, इससे पहले ये हॉटपिट पर एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है तो वहाँ पर देखिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। हॉटपिट पर आप यहाँ सिंपल सर्च करेंगे मार्केट में जाके, मार्केट में जाके आप सिंपल इसमें GENS डाल देंगे, ये आ जाएगा उसका। तो अभी देखिए जैसे ही इसने अनाउंसमेंट का आया था तो ये 07 से ये देखिए 12 पर जा चुका है। मैंने भी इसमें कॉइन लेकर पोजीशन अपनी ले ली थी सुबह ही, अभी मैंने $4 to $5 का इन्वेस्ट किया था और मैं इसके पंप का वेट कर रहा हूँ। अप्रोक्स में से $5 या $4 जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे $10 या $15 या $10 पे भी आता है मेरा इन्वेस्टमेंट, 20-30% जो भी है मैं उससे क्विट कर लूँगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको नई लिस्टिंग और अच्छी लिस्टिंग के बारे में ही आपको जानकारी दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।